नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, सुपर 20 क्वेश्चन की सीरीज में आज मैं 15वां वीडियो लेके आ रहा हूँ, जो इन्वायरमेंटल इश्यूज से है। इकोलॉजी का चैप्टर है, इन्वायरमेंटल इश्यूज, उससे ये 20 अच्छे सवाल हैं। बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए, तो हम और आप मिलकर के सुपर 20 क्वेश्चन की सीरीज को शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज रिलेटेड टू। पहला एयर, दूसरा सॉयल, तीसरा वाटर, चौथा ऑल ऑफ द अबव। इसका जवाब चला जाएगा डी, चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। ये पोल्यूशन की डिफिनीशन है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए चला जाएगा, पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ईयर ड्रम्स आर डैमेज इवन फॉर ब्रीफ पीरियड टू ए साउंड लेवल ऑफ। ईयर ड्रम जो होता बेटा, अगर वो 150 dB आर मोर की अगर हम साउंड दें तो वो डैमेज हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वाज अमेंडेड इन 1987 टू इंक्लूड। जो एयर एक्ट था बेटा, उसमें 1987 में नॉइज को भी जोड़ दिया गया, तो ये हो जाएगा क्या, 4 का सी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, विच पर्टिकुलेट साइज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। ये आपका सी चला जाएगा बेटा जी, 2.5 μm आर लेस। तो 5 का सी वाला जवाब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द फॉलोइंग गैसेस। एसिड रेन वो NO2 एंड SO2 से काज होती है, तो 6 का ए चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SO2 पोल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय। SO2 पोल्यूशन का इंडिकेटर लाइकेंस होता बेटा, तो 7 का ए चला जाएगा। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वाज प्रोमुलगेटेड इन 1974, तो 8 का डी चला जाएगा। विच वन डिक्रीजेज ऑन एडिशन ऑफ सीवेज इन टू फ्लोइंग वाटर। अगर आप सीवेज को इंक्लूड कर रहे हैं तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड इज। आपको पता है सबसे बड़ी समस्या खड़ी करता है कौन, एक्वेटिक वीड, इकॉर्निया, जिसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, वाटर हाइसिंथ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का डी सही है। बच्चों, 20 सवाल जो हैं सुपर 20 क्वेश्चन में से 10 सवाल हम लोग कर चुके हैं, यानी हम लोग आधा पड़ाव तय कर चुके हैं। बच्चों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर, और वीडियो देखिए बेटा जी, अब वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए और शेयर करिए, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करिए बेटा जी, बिल्कुल चैनल नया है, आपकी मदद की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज बायो मैग्नीफिकेशन। तो बायो मैग्नीफिकेशन में DDT मदद करता है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाईएस्ट DDT कंसंट्रेशन सेल अकर इन फाइटोप्लैंकटन्स, बर्ड्स, क्रैब्स और ईल। तो बर्ड्स में होता है बेटा जी। होता क्या है बायो मैग्नीफिकेशन, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनका कंसंट्रेशन किसी भी फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। तो जो एक्वेटिक फूड चेन है उसमें आपका सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन इसमें होगा किस में, बर्ड्स में।
तो 12 का बी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ एक्युमुलेटेड पॉल्यूटेंट अलोंग फूड चेन इज, यही क्या है, बायो मैग्निफिकेशन है। इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ एक्युमुलेटेड पॉल्यूटेंट अलोंग फूड चेन इज, ये डिफिनीशन होगी किसकी, बायो मैग्निफिकेशन की। तो 13 का ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन डिड अमृता देवी सैक्रिफाइड हर सेल्फ लाइफ ऑफ हर थ्री डॉटर्स एंड सेवरल अदर बिश्नोईज। आपको पता है बेटा जी, जोधपुर के राजा थे जो 1731 में अपने मंत्री को भेजे कि खुद जंगल से लकड़ी लाने के लिए, और बिश्नोई समाज के लोग जो है वो अमृता देवी के लीडरशिप में पेड़ को काटने से मना किया और कहा पेड़ काटने से पहले हमें काटना पड़ेगा। तो अमृता देवी, उनकी तीन डॉटर और सेवरल अदर बिश्नोईज जो है उनकी, उनको काट दिया गया। ये घटना कब हुई थी, 1731 में। तो 14 का बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन वाज चिपको मूवमेंट इनिशिएटेड। चिपको मूवमेंट बेटा जी 1974 में इनिशिएट किया गया था। तो 15 का सी चला जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कुमुलेटिव रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन गैसेस। आइडेंटिफाई द गैस विच नॉट इन्वॉल्व इन दिस इन्फ्लुएंस। नॉट इन्वॉल्व कह रहा बेटा, जो एक गैस इन्वॉल्व नहीं है। मीथेन इन्वॉल्व होती बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, नाइट्रोजन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आपको पता है बेटा जी, चार मेन ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिसमें CO2 का रोल 60% होता है, मीथेन का 20% होता है, CFC का 14% होता है और N2O का आपका 6% होता है। तो इसमें नाइट्रोजन नहीं है बेटा जी। तो 16 का सी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ओजोन होल रिजल्ट इन, ओजोन होल होने से क्या होगा, यूवी रेडिएशन रीचेज द अर्थ, ये सही बात है। इंक्रीज इन स्किन कैंसर, ये भी सही बात है। कैटरेक्ट, तो इसका 17 का डी चला जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम्स एट कंट्रोल ऑफ CO2 इमिशंस रिडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो 18 का बी जाएगा, रिडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ गुड ओजोन इन द एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट इन ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर आयनोस्फीयर और मेजोस्फीयर। तो इसका 19 का बी चला जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर। और 20वां सवाल और आज का आखिरी सवाल बेटा जी, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 सितंबर को मनाया जाता बेटा। तो 20 का ए चला जाएगा। तो ये 20 अच्छे सवाल जो 100% NCERT बेस्ड हैं बेटा जी, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। तो बच्चों, आपसे विनती है कि मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए बेटा जी, आपके मदद की ज़रूरत है इस चैनल को। तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी। कल एक वीडियो, फिर एक नए वीडियो के साथ कल आएंगे। ओके, थैंक यू।